प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बनने वाली बात को लेकर दिव्यापुर के औतो गांव की महिलाएं गोबर के दिए बनाने का काम कर रही हैं। महिलाओं का कहना है इस बार वे चाइनीज आइटमों को दरकिनार कर गोबर से तैयार दीपकों से दिवाली को जगमगाएंगी। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भरता और उनके मंत्र वोकल से लोकल से प्रेरित होकर उन्होंने ये पहल शुरू की, जिसके चलते गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम कर रही हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। महिलाओं ने बताया दीपक बनाने की विधि सरल है और आसान भी है। सबसे पहले गोबर को धूप में सुखाया जाता है, सूखने के बाद उसे पीसना पड़ता है। पीसने के बाद 1 किलो गोबर में 200 ग्राम पीली मिट्टी मिलाते हैं, 100 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर मिलाकर अच्छी तरह घोल बनाया जाता है। इन सभी चीजों को मिलाने के बाद अच्छी तरीके से गोबर की मड़ाई की जाती है, फिर गोबर की गोली बनाकर सांचे में रखकर दीपक तैयार किया जाता है। सुमन चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हें दिए बनाने का आइडिया जालौन जिले के उरई से मिला। उन्होंने बताया कि वो उरई गई थी, वहां पर लोग गाय के गोबर से दिया बना रहे थे। इस पर समूह की महिलाओं ने मिलकर दिव्यापुर में एक नई ऊर्जा के साथ नई मुहिम चलाने का काम किया। दिवाली आ रही है, उसमें रंगीन दिए मिट्टी के होंगे, लेकिन इस बार गोबर से दिए बनाएंगे। गोबर आस्था का प्रतीक है, ऐसे में काफी कारगर साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चाइना के सामानों को बैन कर दिया गया, ऐसे में लड़िया वगैरह नहीं रहेगी तो इस दिए की डिमांड ज्यादा होगी। समूह की सभी महिलाओं को रोजगार मिलेगा। उनके समूह में बताया गया कि 13 महिलाएं शामिल हैं। हमारे समूह में 13 महिलाएं हैं और 13 महिलाओं को अभी तक 2 साल से हम लोगों ने किसी रोजगार की तरफ क्रियान्वयन नहीं किया। कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। मैं अभी उरई गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा कि गाय के गोबर से दिए बनाने की विधि आज के दौर में, जैसे हमारे देश के PM और हमारे उत्तर प्रदेश के CM सर गायों को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं, गौशाला खोलना, गायों को संरक्षण करना। तो हमने वहाँ पे देखा कि गाय के गोबर से भी दिए बनाए जा सकते हैं, तो हम उस विधि को, जैसा कि हमने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले आपको बताया गाय के गोबर से कैसे दिए बनाए जाते हैं, इसको हमने अपने औरैया जिले में नई ऊर्जा के तौर पे, नए काम के तौर पे शुरुआत करने की आज मुहिम चलाई है, जिसको हमने अपने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ शुरू किया है। तो चूंकि दीपावली आ रही है, उसमें रंगीन दिए मिट्टी के दिए भी मिलते हैं, लेकिन चूंकि गाय का गोबर आस्था का प्रतीक भी माना जाता है और पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने गाय के गोबर को दिए बनाकर बाजार में उतारने की नई पेशकश शुरू की है। दूसरा, चाइना का विरोध भी हो रहा है कि चाइनीज चीज हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, तो मिट्टी के दीपक की जगह गाय के गोबर हमें बनाने के लिए आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे, हमारी समूह की महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तीसरी चीज ये है कि पॉल्यूशन के तहत हम इसमें गाय के गोबर से मूर्तियां भी बनती हैं, उन मूर्तियों में कलश भी बनते हैं, जैसे गणेश जी की मूर्ति बनी, दुर्गा विसर्जन में मूर्ति बनी, तो दुर्गा विसर्जन और उनमें मूर्ति में हम एक नया चीज और विसर्जन के सृजन की ओर, PUP की जो मूर्तियां बनती उनको हम विसर्जित करते हैं, पानी दूषित होता है, लेकिन ये गाय के गोबर से हम मूर्ति जब बनाएंगे तो उसमें जो हम मटेरियल मिलाते हैं उसके साथ हम पंचगव्य और सहजन का बीज और गिलोय का बीज उसके साथ में मिला देंगे, तो जहां भी हम मूर्तियों को विसर्जित करेंगे वहां नया पौधा शुरू होगा, उसको नया नाम देंगे विसर्जन से सृजन की ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।